हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वाले वीडियो में स्वागत है हमारा चैनल पे। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छा हो। तो दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग सीखने वाला है जो हमारा एसीबी होता है, एसीबी का जो हमारा माइक्रोलॉजी कंट्रोलर होता है उसका सेटिंग कैसे किया जाता है। तो आज का वीडियो में वही मैं आप लोग को थ्योरी के साथ समझा दूंगा। तो नेक्स्ट वाले में एक वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आप लोग को प्रैक्टिकली समझाऊंगा। तो मैं थ्योरी के साथ आप लोग को साइड में भी कुछ फोटो दिखाऊंगा, जैसा आप हमारा एसीबी में हमारा कैसे लगा रहता है, ये हमारा माइक्रोलॉजी कंट्रोलर, तो उसका सेटिंग कैसे करना है और उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, तो वो लोग को बहुत काम पे आने वाला है। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, तो भी आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आएगा। चलिए फ्रेंड्स, पहले आप लोग को मैं एसीबी जो होता है ये हमारा क्या एयर सर्किट ब्रेकर होता है। तो एसीबी का हमारा क्या है, ऐसा एक माइक्रोलॉजिक हमारा कंट्रोलर रहता है जिसमें कि हमारा एक IR करके रहता है सेटिंग, और एक हमारा ISD करके सेटिंग रहता है, और एक हमारा क्या IG करके सेटिंग रहता है, और हमारा TR सेटिंग, TND सेटिंग, TG सेटिंग, और हमारा II सेटिंग। ये जो हमारा 7 सेटिंग है, तो ये आपको ACP जो है ACP का सामने में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जैसा कि आप लोग साइड में देख रहे हैं, तो अभी मैं पहले आप लोग को जो हमारा IR, तो IR का मीनिंग क्या है, IR का मीनिंग दोस्तों हमारा ओवरलोड में जो हमारा ब्रेकर है वो हमारा ओवरलोड में प्रोटेक्शन देगा। आप लोग देखा होगा जो हमारा MCB हो गया, MCCB हो गया, RCCB हो गया, तो वो जब हम लोग परचेस करने के लिए जाता है उसमें एक रेटेड करंट दिया जाता है। तो वो हमारा क्या है, 25 एम्पियर हो सकता है, 63 एम्पियर हो सकता है, 20 एम्पियर हो सकता है, और हमारा 10 एम्पियर हो सकता है। तो इसी तरीके से आपको रेटेड करंट वाला MCB मिल जाएगा। लेकिन जो हमारा MCB होता है, MCB में हमारा क्या एक फिक्स्ड करंट रेटिंग रहता है, फिक्स्ड करंट रेटिंग रहता है। नहीं तो हमारा जो RCCB होता है उसमें भी हमारा फिक्स्ड करंट रेटिंग होता है, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। तो हमारा दोस्तों MCCB होता है, तो इसका पहले मैं इसका वीडियो एक बनाया था MCCB का, कैसे सेटिंग करना है उसका ओवरलोड और करंट कैसे सेटिंग करना है। तो जो हमारा MCCB होता है दोस्तों, तो MCCB में हमारा पोर्ट दिया गया है, उसमें हम ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट में हम लोग सेटिंग कर सकता है, और जो हमारा करंट रेटिंग है वो हम कम कर सकता है। मान लीजिए ये हमारा क्या 400 एम्पियर वाला हमारा MCCB है, तो इसको हम क्या 200 एम्पियर में हम सेटिंग कर सकते हैं। कोई कोई हमारा MCCB ऐसा है, लेकिन इसमें जो MCCB है इसमें हम ओवरलोड में हम सेटिंग कर सकते हैं, और हमारा क्या शॉर्ट सर्किट में हम लोग सेटिंग कर सकते हैं MCCB को। लेकिन जो हमारा ACB है, ACB में हमारा बहुत सारा सेटिंग होता है, जैसा कि हमारा 4 सेटिंग हमको करना पड़ता है, उसमें हमारे क्या ज्यादातर हमारा सेफ्टी मिलता है। तो आगे मैं आप लोग को बताऊंगा इसका क्या मीनिंग है। जैसा हमारा ISD जो सेटिंग होता है दोस्तों ACB में, वो हमारा क्या शॉर्ट सर्किट सेटिंग। शॉर्ट सर्किट मतलब कहीं पे हमारा क्या दो फेज में आपस में शॉर्ट हो जाएगा, तो उसमें क्या ज्यादा हमारा करंट फ्लो होने लगेगा, तो उसी टाइम पे क्या शॉर्ट सर्किट में हमारा जो हमारा ब्रेकर है वो हमारे इक्विपमेंट को प्रोटेक्शन देगा। तो ये हमारा कौन सा सेटिंग हो गया, ये हमारा ISD सेटिंग हो गया। उसका बाद हमारा 3 नंबर में जो है ये हमारा क्या IG सेटिंग। ये IG सेटिंग दोस्तों क्या होता है, IG सेटिंग हमारा क्या है, जो हमारा ग्राउंड फॉल्ट नहीं तो हमारा जो आर्क फॉल्ट होता है उसमें हमारा सेटिंग होता है। तो कभी भी हमारा क्या वायर जो है वो ग्राउंड फॉल्ट हो गया, तो ग्राउंड में का साथ हमारा टच हो गया, तो उसी टाइम पे जो इसमें हम लोग एक सेटिंग करके रखेगा, तो उस सेटिंग पे हमारा करंट रेटिंग चला जाएगा, तो उसी टाइम पे क्या है हमारा ब्रेकर को प्रोटेक्शन देगा। और जो हमारा इस वाला जो सेटिंग देख रहा है, ये जो हमारा आई आई का मतलब हमारा इंस्टेंट करंट सेटिंग। इंस्टेंट करंट सेटिंग मतलब इसमें जैसे कि हमारा कुछ सेकंड का कोई घड़ी नहीं दिया गया, ये जो आप लोग देख रहे हैं IR ISD IG, इसका सीधा हमारा इधर एक सेकंड का घड़ी गया है, इसमें भी आप सेटिंग कर सकते हैं कितना सेकंड में आपका ब्रेकर जो है वो ट्रिप हो जाएगा। लेकिन जो हमारा II है, इसका सीधा आपका कोई ऐसा घोड़ी नहीं लगा, जो पोर्ट नहीं लगा, जो सेकंड में हम लोग सेटिंग कर सकता है। ये इंस्टेंट का मतलब जो हमारा ब्रेकर है वो जितना एम्पियर को होगा उसी से ज्यादा करंट हमारा फ्लो होगा, तो इसमें हम जैसा सेटिंग करके रखेगा तो वो क्या तुरंत हमारा ब्रेकर को कोई सेकंड देखेगा नहीं, इसका अंदर से करंट जैसा फ्लो होगा वो तुरंत हमारा इंस्टेंट ही हमारा ब्रेकर को बंद कर देता है सप्लाई। इसीलिए IA क्या जो हमारा इंस्टेंट करंट सेटिंग बोलता है। तो अभी हम आप लोग को क्लियर हो गया ये चीज, तो आगे में आप लोग को इसका कैलकुलेशन कैसे निकालना है, जैसा हमारा IR का सेटिंग कैसे करना है, ISD का सेटिंग कैसे करना है, IG का सेटिंग और II का सेटिंग किस तरीके से करना है, मैं कैलकुलेशन के साथ आप लोग को समझाऊंगा। दोस्तों जो हमारा ब्रेकर होता है, जैसा हमारा ACB ब्रेकर है,
तो एसीबी का ब्रेकर का ऊपर जो हम लोग परचेस कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारा एक एम्पेयर रेटिंग लगा रहता है, तो वो हमारा क्या आईएम रेटिंग होता है। मान लीजिए ये हमारा 2000 एम्पेयर का हमारा एसीबी ब्रेकर है, तो हमको क्या लोड जो होता है हमारा, तो लोड हमको 1350 एम्पेयर में सेटिंग करना है। और जैसा हमारा ये जो लोड हो गया, ये लोड हमारा 1350 एम्पेयर हम लोड में सेटिंग कर दिया, लेकिन जब हमारा ट्रिपिंग है, ट्रिपिंग कारण हमको क्या 1400 एम्पेयर में हमको ट्रिपिंग होना चाहिए ब्रेकर को, ये हम किस तरीके से सेटिंग करेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा आईआर, आईआर का वैल्यू इनटू मतलब आईआर इनटू आपका जो आईएन वैल्यू, जो हमारा आईएन वैल्यू उसको आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो हमारा ये जो हमारा आईआर, आईआर मान लीजिए हम किसमें सेटिंग करके रखा है, आईआर हम 0.7 पे सेटिंग करके रखा है, तो हम 0.7 इनटू हमारा आईएन का वैल्यू में कितना बताया था, जो कि हमारा 2000 है, तो मैं 2000 इसमें गुणा कर दे रहा हूं, तो हमारा कितना निकल रहा है, ये हम 1400 एम्पेयर हमारा निकल रहा है। तो इसी तरीके से हम इधर 1400 एम्पेयर को हम ट्रिपिंग पे सेटिंग किया है, तो हमको इसी तरीके से आपको सेटिंग करना पड़ेगा आईआर का जो सेटिंग है। हमारा वैल्यू, ये हमारा वैल्यू निकल गया, जैसा देख रहे हैं 1400 एम्पेयर हमारा जो ट्रिपिंग है, तो उसी टाइम पे क्या जब हमारा ओवरलोड हो जाएगा, मतलब आईआर हम इतना में सेटिंग करके रहेगा, जब हमारा ब्रेकर का अंदर 1400 एम्पेयर करंट फ्लो हो जाएगा, तो अब हमारा ब्रेकर जो है ओवरलोड में ट्रिप हो जाएगा, तो ये हमारा ओवरलोड हो गया। तो इसका सीधा इस वाला जो पॉइंट देख रहा है, ये हमारा क्या 0.5 है, 1, 2, 4, 6, 12, 6, ये हमारा क्या सेकंड में सेटिंग होता है, मतलब ये जब ऐसा जो दो नंबर में सेटिंग करेगा, तो क्या 2 सेकंड का बाद हमारा जो ब्रेकर है वो हम ट्रिप कराएगा। तो ये वाला जो सेटिंग है ये हमारा सेकंड में रहता है, ये जो हमारा कोड रहता है, इसको हम जिस पॉइंट में सेटिंग करेगा तो उसी सेकंड में हमारा ब्रेकर जो है ओवरलोड में ट्रिप हो जाएगा। तो ये वाला चीज आपको क्लियर हो गया। इसका बाद नेक्स्ट वाला जो होता है हमारा क्या आईएसडी, तो आईएसडी को आपको कैसे सेटिंग करना पड़ेगा, तो आईएसडी का मतलब आप लोग को पहले समय बताया था, वो हमारा क्या शॉर्ट सर्किट में हमारा जो शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट में हमारा सेटिंग होता है। तो जो हमारा आईएसडी, इसको हम दो नंबर में सेटिंग किया, तो एक कैसा होता है, जो हमारा आईएसडी, जो हमारा आईएसडी, आईएसडी का सेटिंग कहता है आईएसडी इनटू हमारा आईआर, तो आईएसडी हम दो नंबर में सेटिंग किया, जैसा आप लोग देख रहे हैं ये हमारा दो नंबर में सेटिंग किया, तो मैं 2 इंटू हमारा आईआर, तो आईआर हमारा कितना निकला, तो आईआर का वैल्यू जो है ये हमारा आईआर का वैल्यू निकला है, जो कि हमारा 1400 एम्पेयर है, वो हमारा 1400 एम्पेयर है, ये हमारा आईआर का वैल्यू निकला है। तो अभी हम आईएसडी का वैल्यू हमारा कितना निकलेगा, इसका साथ गुना करेगा तो हमारा 2800 एम्पेयर निकलेगा। तो ये हो गया हमारा आईएसडी का वैल्यू। तो आईएसडी का वैल्यू मतलब जो हमारा ब्रेकर है ये हम 2 नंबर में सेटिंग करके रखेगा, तो अब हमारा ब्रेकर का अंदर 2800 एम्पियर जो हमारा लोड आ जाएगा, करंट फ्लो होगा, उसी टाइम पे क्या शॉर्ट सर्किट समझ लेगा, तो उसी टाइम पे क्या है हमारा ब्रेकर ट्रिप होगा। लेकिन ट्रिप होने के लिए और एक सेटिंग करना पड़ेगा, जो आप लोग देख रहे हैं टीएनडीए जो है ये हमारे क्या सेकंड के लिए सेटिंग है, जैसा हम 0.2 में 0.1 में जिसमें हम सेटिंग करेगा तो उतना सेकंड का बाद हमारा ब्रेकर जो है वो वर्क करेगा और हमारा ब्रेकर जो है ट्रिप होगा। ये हमारा क्या सेकंड का सेटिंग है। तो इस वाला चीज आप लोग को क्लियर हो गया, जो हमारा आईएसडी है वो कैसे काम करता है, आईएसडी हमारा कैसे काम करता है और उसका कैलकुलेशन आपको कैसे निकालना है। उसका बाद दोस्तों आप लोग को मैं ये जो आईजी है, आईजी का मतलब मैं समझा देता हूं। आईजी का मतलब जो होता है हमारा ग्राउंड फॉल्ट, नहीं तो हमारा जो अर्थ फॉल्ट होता है उसका सेटिंग है। इसमें आप लोग देख रहे हैं, इसमें जो ये हमारा जो घड़ी है, इसमें आपका जो पोर्ट है, ए वाला पोर्ट में आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच लिखा है। तो मतलब इसमें हमारा कैसे सेटिंग होता है, ए बी सी डी एक ग्रेड होता है, तो एक ग्रेड का हिसाब से आपका एक एम्पियर, मतलब ए रहेगा तो ये हमारा ए जो रहता है, ए हमारा क्या है 400 एम्पियर हो सकता है, और जो बी है ये हमारा क्या 640 एम्पियर है। तो इस तरीके से मतलब जो हमारा ग्राउंड फॉल्ट है, ग्राउंड फॉल्ट मान लीजिए ये हम बी पे सेटिंग करके रखा है, तो बी का जो हमारा वैल्यू है ये हमारा क्या 640 एम्पियर वैल्यू है, तो 640 एम्पियर जिस इस टाइम पे इसका अंदर हमारा ग्राउंड फॉल्ट हो जाएगा, तो अब क्या होगा, हमारा ब्रेकर जो है वो हमारा जो इक्विपमेंट है उसको प्रोटेक्शन देगा और ब्रेकर जो है हमारा ट्रिप हो जाएगा। ये हमारा क्या अर्थ फॉल्ट और जो हमारा ग्राउंड फॉल्ट होता है उसका सेटिंग होता है ये हमारा आईजी सेटिंग। और इसका बाद में जो देख रहे हैं टीजी सेटिंग, ये क्या हमारा सेकंड में रहता है, सेकेंड में मतलब ये हमारा 1, 2, 3, 4 ऐसा करके, मान लीजिए 2 में रखा है तो हमारा क्या 2 सेकंड का बाद हमारा ब्रेकर जो है ग्राउंड फॉल्ट में ट्रिप होगा, इंस्टेंट करंट सेटिंग।
तो इंस्टेंट करंट सेटिंग में आप लोग को पहले भी बताया था दोस्तों, इंस्टेंट जो करंट सेटिंग होता है, जो हमारा ब्रेकर है वो कुछ टाइम नहीं लेगा, मतलब उसका अंदर से ऐसा करंट फ्लो होगा वो तुरंत उसमें ट्रिप हो जाएगा। देख रहा है इसका सामने में हमारा कोई घड़ी नहीं है सेकंड का, क्योंकि हम उसमें सेकंड कोई सेटिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि ये इंस्टेंट हमारा करंट फ्लो होगा, उस टाइम पे हमारा क्या प्रोटेक्शन देगा, ब्रेकर हमारा ट्रिप हो जाएगा। तो उसका सेटिंग करने के लिए आपको किस तरीके से करना पड़ेगा, आई है जो हमारा आई है, तो आई का सेटिंग कैसे करना है, आई का सेटिंग जैसा हम तीन नंबर में रखा है, तो 3 हमारा IN, तो अभी इसका IN का वैल्यू मैं आप लोग को कांस्टेंट किया था, वो हमारा क्या 2000 है, तो अभी हम 3 हमारा 2000, तो 2000 का हम गुना जैसा करेगा, ये हमारा क्या 3 × 6, तो 6000 एम्पेयर हो रहा है, मतलब इंस्टेंट हमारा ब्रेकर का अंदर से 6000 एम्पेयर लोड निकल जाएगा। तो उसी टाइम पे क्या होगा, हमारा ब्रेकर जो है ट्रिप होगा। जो हमारा एसी भी ब्रेकर है, एसी ब्रेकर में इतना सारा हमारा सेटिंग है, वो इतना सारा प्रोटेक्शन दे सकता है। तो इसीलिए दोस्तों क्या, इंडस्ट्रियल में हमारा जो हमारा लो टेंशन मतलब जो LT साइड होता है, उस जगह पे क्या है, हमारा एसी भी ब्रेकर हम लोग यूज करता हूँ। जो लोग इंडस्ट्रियल में काम कर रहा है उसको आसानी से पता है, जो हमारा एसी भी ब्रेकर है वो हमारा ज्यादातर इंडस्ट्रियल में यूज होता है। और दोस्तों एसी भी यूज करने का पर्पस देखिए, मान लीजिए आप जब एसी भी परचेस किया, वो हमारा क्या है 2000 एम्पियर का आप एसी भी परचेस किया है, लेकिन क्या होगा आपका पास लोड नहीं है, तो लोड नहीं लगाने की वजह से आप क्या उसी टाइम पे आप 1250 एम्पियर लोड चला रहा है, तो वो आपको सेटिंग करने के लिए मैं जैसा आप लोग का प्रोसेस बताया, तो इसी तरीके से आपका जो एसी भी है, एसी भी पे आप ऐसा लोड सेटिंग कर सकते हैं। मतलब आप परचेस कर लिया 2000 है, तो 2000 का परचेस किया, लेकिन आपका जो इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट क्या है आपका 1250 एम्पियर से ज्यादा लोड नहीं ले रहा है, तो उसी जगह पे आप 2000 एम्पियर का एसी भी लगा देगा, तो क्या होगा वो जो आपका इक्विपमेंट है वो तो प्रोटेक्शन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपका इक्विपमेंट खराब हो जाएगा, क्योंकि वो 2000 रेटिंग वाला हमारा एसी भी है। लेकिन एसी भी लगाने का एक फायदा है, उसमें आप 1250 एम्पियर आपका लोड ले रहा है, तो ये वाला सेटिंग आप आसानी से कर सकता है। ये भी आपका सेटिंग करेगा तो आपका प्रोटेक्शन, जो आपका इक्विपमेंट है उसको प्रोटेक्शन प्रॉपरली मिलेगा। तो ये प्रोटेक्शन मिलने के लिए आपको इस तरह सेटिंग करना पड़ेगा, जो कि हमारा जो हमारा जो जिस कंपनी का आपका एसी भी ब्रेकर होगा, तो उसी कंपनी में क्या है हमारा जो हमारा 1200 एम्पियर होगा, नहीं तो 2000 एम्पियर होगा, उसका हिसाब से वो लोग कंपनी तरफ से उसमें सेटिंग करके देता है, क्योंकि आप लेके आके लगा देने का तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन जिस टाइम पे आपका लोड कम होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाला जो मैं आप लोग को जिस तरीके से समझाया वीडियो में, आप इस तरीके से इसका सेटिंग कर सकता है, भी ब्रेकर को आपको कैसे रिपेयरिंग करना है, एसी भी ब्रेकर को कैसे ऑन करना है, तो उसका वीडियो हमारे चैनल पे पहले से ही है, आप जाके उस वाला वीडियो देख सकते हैं। और जो हमारा MCC भी होता है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर जो होता है, उसका पोर्ट में कैसे सेटिंग करना है, उसका वीडियो भी मैं पहले बनाया, आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। दोस्तों इस वाला वीडियो के बारे में आप लोगों को कोई कमेंट होता, आप जरूर हमारा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, तो मैं उसका ऊपर रिप्लाई देने के लिए कोशिश करूंगा। आप हमारा चैनल पे नया हो तो हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि हम ऐसा वाला वीडियो बनाएगा तो आपका पास पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना, तो अगली वाला वीडियो में मिलता हूं, धन्यवाद, जय हिंद।